हेलो दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज हम महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ये कहना है महात्मा गांधी जी का, जो अब भले ही इस दुनिया में नहीं है, पर करोड़ों लोगों के दिलों में वे अपनी छाप छोड़कर चले गए हैं। भले ही अब वो जीवित नहीं हैं, किंतु वो हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और वे ब्रिटिश राज में एक छोटी सी रियासत पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी माता भक्ति भाव में ज़्यादा विश्वास रखती थी, जिसका सीधा प्रभाव उनके बेटे मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी पर पड़ा, और बचपन से ही उनमें बहुत अच्छे अच्छे गुण आ चुके थे। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी, लेकिन पिता के राजकोट में ट्रांसफ़र होने के कारण उन्होंने अपने मैट्रिक की परीक्षा राजकोट से दी। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए वे रवाना हो गए। यहाँ 3 साल रहकर उन्होंने अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की और सन 1891 में भारत वापस आ गए। गांधी जी का विवाह 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी से हुआ था। सन 1885 में ही गांधी की पहली संतान ने भी जन्म लिया, किंतु कुछ समय बाद उसका निधन हो गया। आखिरकार आगे जाकर इनके 4 बेटे हुए। सन 1894 में किसी कानूनी विवाद के संबंध में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और वहां होने वाले अन्याय के खिलाफ उन्होंने अवज्ञा आंदोलन, जिसे इंग्लिश में डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, वो चलाया। सन 1916 में गांधी जी भारत लौटे और फिर देश को आज़ाद करने में लग गए। सन 1920 में कांग्रेस के लीडर बाल गंगाधर तिलक के निधन के बाद गांधी जी कांग्रेस के मार्गदर्शक बन गए। सन 1914 से लेकर 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तब गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को सहयोग देने की बात कही थी, किंतु केवल एक शर्त पे, कि अगर वे भारत को आज़ाद कर देंगे। पर जब उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने कुछ ठोस कदम उठाने का सोचा और कई आंदोलन किए। उनके मुख्य आंदोलन है, 1918 में उन्होंने चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह किया। 1919 में उन्होंने खिलाफत आंदोलन किया। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाया। 1930 को उन्होंने अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट चलाया। इसके अलावा उन्होंने नमक सत्याग्रह सॉल्ट मूवमेंट को भी किया, और उन्होंने दांडी यात्रा भी निकाली यानी दांडी मार्च, जो कि हमारे भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आखिरकार 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाया, और आखिरकार गांधी जी के अनंत प्रयासों के कारण भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नसीब हुई। गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए, सब शांतिपूर्ण ढंग से किए। वे किसी भी प्रकार के हिंसा के सख्त खिलाफ थे। वे हमेशा से सत्य और अहिंसा के राह पर ही चले। भारत के आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ जिन्ना के देखरेख में एक अलग मुसलमान देश, जो कि आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसकी मांग तीव्र हो गई थी यानी उसकी डिमांड तेज़ी से बढ़ रही थी, और 40 के दशक में पाकिस्तान नाम का एक देश बन भी गया। किंतु गांधी जी को बंटवारा बिल्कुल नहीं चाहिए था, पर वे कुछ ना कर सके, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक देश के रूप में उभर कर आ गया। 30 जनवरी सन 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे ने कुल 3 गोलियां उनको दागी थी। तब गांधी जी के मुंह से निकला था, हे राम। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में राजघाट पर ही उनकी समाधि स्थल को बना दिया गया। वो एक बड़े ही महान व्यक्ति थे और हमारे दिलों में तो हमेशा ही जीवित रहेंगे। आपको इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसा ही हम उम्मीद करते हैं। यदि आपने आज कुछ नया सीखा है हमारे वीडियो की मदद से, तो एक लाइक तो बनता है,
और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस पर चाहिए। यदि आपको ऐसे ही नया सीखने का शौक़ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस, जीके की वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, स्पीकिंग कोर्स की वीडियोस और अनेक प्रकार के पढ़ाई से संबंधित वीडियोस लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय। और हाँ, फिर मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।